फ्रेंड्स, अगर आपने कोई एक्सेल शीट बना रखी है और आप चाहते हैं कि मैं इस एक्सेल शीट की मैं इमेज बना दूं, तो कैसे आप जो आपने डेटा बनाया है उसकी आप इमेज बनाना चाहते हैं, तो कैसे आप बहुत आसानी से इस डेटा शीट की इमेज बना सकते हैं। जैसे अभी आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप इमेज बना देंगे तो वो आपकी कोई चेंज नहीं कर पाएगा और एक इमेज फाइल आपकी बन जाएगी। वो करने के लिए फ्रेंड्स आपको मैं एक बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपको इस डेटा शीट की इमेज बनानी है तो आपको ये सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें आपको इसको कॉपी करें और कॉपी करके आपको जाना है पेस्ट का जो ऑप्शन होता है, इसमें एक नीचे एरो होती है, आपको इसमें क्लिक करना है और इसमें जाने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक्ड पिक्चर आएगा, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी इमेज यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। अब आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो ये बड़ा भी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए कितनी आसानी से ये फाइल बड़ी हो गई है। तो ऐसे फ्रेंड्स अगर आपको इसको जेपीजी में डेस्कटॉप पर रखना है तो आप इसमें राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद आप विंडो आर करके एमएस पेंट खोलेंगे और यहाँ पर आप इसको कंट्रोल वी कर देंगे तो ये देखिए ये शीट आपकी यहाँ पर आ गई है, जो शीट अभी हमने यहाँ पर बनाई थी। तो देखिए इमेज में कन्वर्ट हो गई है, इसको अब आप बहुत आसानी से सेव भी कर सकते हैं। तो देखिए फाइल फ्रेंड यहाँ पर सेव हो गई है। तो आज मुझे आपको यही बताना था कैसे आप किसी एक्सेल शीट को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।